आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और अपने अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करें होंगे। फ्रेंड्स, आप सबको तजस्सुस हो रहा होगा कि इतना अरसा मैं किधर थी, 2 या 3 महीने के बाद ये वीडियो बनने जा रही है और मैं बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैं नहीं 2-3 माह कर सकी आपके साथ शेयर, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक बिग न्यूज़ देने जा रही हूँ कि मैं इतना अरसा क्यों गायब रही अपने यूट्यूब चैनल से। तो फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई कंसीव्ड अ बेबी बॉय, अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से जो है मैं वीडियोस को नहीं बना पाई। अब आज जो मैं आपके साथ वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मेरे बेबी की शॉपिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब छोटे बच्चे की शॉपिंग करते मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मुझे कितना मज़ा आया और मैंने कितना इंजॉय किया। यानी कि अभी 15-20 दिन उसको पैदा हुए हुए थे और मैंने बाज़ारों में जाना शुरू कर दिया, मॉल्स में जाना शुरू कर दिया और उसकी शॉपिंग्स जो थी वो सारी स्टार्ट कर दी। एक्साइटमेंट में जो है वो लफ्ज़ गलत निकल रहे हैं मुँह से, तो वो आप इग्नोर ही करते हैं क्योंकि आपको मेरी खूबसूरती मैटर करती है, आपको मेरे लफ्ज़ मैटर नहीं करते। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे शॉपिंग को स्टार्ट करते हैं, आपने जो जो मेरे बारे में पूछना होता है आप अक्सर पूछते रहते हैं कॉमेंट्स में और मैं नहीं बता पाती, तो अब मैं फ्री हूँ। आप अपने कॉमेंट्स में जो जो मुझसे पूछना चाहते हैं मुझसे पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी। अच्छा, इधर शॉपिंग को स्टार्ट करते हैं और शॉपिंग की तरफ आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस और खूबसूरत लेडी को देखने का मौका आपको सबसे पहले मिल सके। लाइक करना ना भूलिएगा। जी, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शॉपिंग को स्टार्ट करती हूँ। जो मेरे बेबी ने पहले दिन कपड़े पहने हैं ना, वो मैं आपको सबसे पहले दिखाने जा रही हूँ। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसमें बहुत से कलर्स थे, इसमें मेरून, मतलब वाइट सारा ऐसे ही था लेकिन वो जो है ना मेरून था, इसकी जो वेस्ट कोट है ना वो मेरून थी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें बूटीज़ हैं, इसमें मिटन्स हैं, इसमें ट्राउज़र है और इसके अंदर टी शर्ट है। ये देखिए, ये मिटन्स हैं इसके साथ। इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, मुझे अब पता चला कि ये नेल्स जो है ना, बच्चा अपने मुंह को यूँ नोचता है गुस्से में, तो ये आपने उसको पहनाए हो ना तो उसके मुंह की बचत हो ही रहती है। क्योंकि स्टार्ट में ना मेरी बेबी ने अपनी आईज़ ऐसे वो रेड कर ली और अपनी आईज़ ख़राब भी कर ली, वो कर करके ना आँखों में वो नेल्स मार मार के, तो खशर उसने ख़राब किया। और ये शूज़, ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उसको जो है परफेक्ट पूरी हैं। और उसके बाद ये कैप है, ये फर्स्ट डे पे पहनेगा, वो भी वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं अपने बेबी का ना तो फेस रिवील करूँगी और ना ही मैं आपको भी नाम बताऊँगी, जब आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे ना फिर बताऊँगी। ये इसका ट्राउज़र है और उसके बाद ये है इसके, ये इसके अंदर शर्ट है और ये वेस्ट कोट जो है ना ये अलग है, यानी कि ये प्रिंट सूट बना हुआ है। अब इनको मैं पैक बाद में करूँगी, फिलहाल जो है आपको बाकी के कपड़े दिखाती हूँ। ये मैंने लिया था ग्रेसो से, ये जो आपको भी प्रिंस सूट पहन दिखाया, और ये अब मुझे देख देख के चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ली थी। यस, ये भी ग्रेसो से लिया है। आप मुझे बताइएगा आपको इसका कौन सा सूट सबसे ज़्यादा पसंद आया और आपको क्या लगता है कि इसको कौन सा जो है वो फर्स्ट डे पहनना चाहिए। उसके बाद ये है, ये भी मैंने ग्रेसो से ही लिया है। इसकी तकरीबन जो है काफ़ी सारी शॉपिंग मैंने ग्रेसो से ही की। अब जो कपड़े उसने पहन लिए हैं जो इसके पैदा होने से पहले मैंने इसकी शॉपिंग की थी, वो भी सारी ग्रेसो से ही मैंने की थी। तो अब मैंने मिनी माइनर से भी की है, मिनी माइनर से भी तब भी थोड़ी सी की थी लेकिन ज़्यादा जो है ना वो ग्रेसो से की थी। तो अब मैंने आउटफिटर से भी इसकी शॉपिंग की है क्योंकि इसके साइज़ के मुझे कपड़े मिल गए थे आउटफिटर से भी ना, ये आउटफिटर से लिया मैंने। ये फ्रेंड्स, ये इसके अंदर शर्ट है और इसके साथ जीन्स की निकर है। ये मैंने मिनी माइनर से ली इसके साथ मैच करने के लिए। मोस्टली जो इसके रोम्पर्स वगैरह नहीं है ना वो मैंने अलग से इसके मैच किए हैं बाद में। तो फ्रेंड्स, ये अच्छा लग रहा है, वैसे मुझे लग रहा था कि ये भी ये पहले दिन पहने तो इसको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद ये है, इसके अंदर भी अब मैं कोई शर्ट, अभी शॉपिंग जो है ना अच्छे से कम्प्लीट नहीं हुई, तकरीबन मैं हमें को 8-10 दफ़ा मैं मॉल्स में जा चुकी हूँ और मार्केट्स में, लेकिन अभी भी जो है ना वो शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई। ये भी मैं मिनी माइनर से लेकर आई हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स। उसके बाद है ये शर्ट, ये किधर से ली थी, ये भी आउटफिटर से ली है। ये इसके बाबा ने भी ब्लैक पहननी है और इसने भी ब्लैक पहननी है और मैंने भी ब्लैक पहननी है और इसकी सिस्टर ने भी ब्लैक ही पहननी है, यानी कि एक दिन के हमारे सबके कपड़े जो है ना वो ब्लैक हैं। और ये स्पोर्ट्स, जॉगिंग करने जाएगा ना जब, फिर ये पहन के जाएगा।
ये स्पोर्ट्स निकर है मुझे बहुत अच्छी लगी, सॉफ्ट थी। और ये किधर से ली मैंने, ये भी आउटफिटर्स। प्राइसेस इनकी मैंने आपको बताई नहीं, प्राइसेस काफ़ी की मैंशन है। ये एक ड्रेस शर्ट थी, मुझे तो इसके बाबा के कपड़े जो है वो सस्ते आए और इसके महंगे आए। ये इसकी प्राइस है 1890, इसकी प्राइस है ये इस ड्रेस शर्ट की। शायद आपको इस तरह ना नज़र आए लेकिन फ्रेंड्स यू बिलीव मी ना। और ये इसकी जो है मिनी माइनर से आई है इसकी 1790। ये देखिए ये विद गैलस है ये, और इसकी प्राइस थी 1390। सही है वैसे, इतने महंगे नहीं है कपड़े लेकिन मतलब बच्चों के हिसाब से ये महंगे ही हैं। सॉफ्ट है कपड़ा, बहुत अच्छा होता है मिनी माइनर्स का, आउटफिटर का। ग्रेसो के भी अच्छे थे, ग्रेसो के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा लेकिन आउटफिटर के साथ तो मेरा पहले भी एक्सपीरियंस था और मिनी माइनर्स के साथ भी अच्छा। ये है 1590 की ये ड्रेस शर्ट जो है, और इसके अंदर वाली जो शर्ट है ना ये भी, ये मैंने खुद ही पेयर बनाया है इसका भी ना। इसकी प्राइस है, ये सस्ती मिलती थी 790 की, ये ग्रेसो की है। यानी ग्रेसो भी आपको जो है ना मतलब नॉर्मल रेट में भी कपड़े मिल जाते हैं। ये हो गया, और इनकी प्राइसेस हैं, ये भी ग्रेसो से लिया मैंने, ये 795 का आया था। ग्रेसो के प्राइसेस जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, कपड़ा भी अच्छा है लेकिन बहुत मज़ा नहीं आया इसको पहना के। ये भी 795 का है, और ये भी ग्रेसो से लिया। ये आई थिंक मुझे सही से याद नहीं, पता नहीं अब इसकी प्राइस है मेंशन, ये 3250 का आया था। ये जो पेयर है पूरा दिस वन 3250 का। उसके बाद ये है रैपिंग शीट, ये 995 की आई है, ये लोकल शॉप से आई है। इसकी रैपिंग शीट्स मैंने ली थी लेकिन वो जो है काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, साइजेस उनके जो हैं वो इतने बड़े नहीं थे तो मुझे इसका साइज अच्छा लगा। इसके साथ बेल्ट भी है, इसके साथ बूटीज़ भी हैं दिस वन इज, तो इसलिए मैंने बाय कर ली। और इसके साथ मिटन्स भी हैं दिस वन, लेकिन ये थोड़े इसको खुले हैं तो मैं सोच रही थी कि इनका इनको ना मैं टेलर को देके ना तो इसके अंदर वो जो बारीक प्लास्टिक नहीं लगती वो लगवा लूँगी। ये मिटन्स और ये बूटीज बहुत प्यार प्यार छोटी छोटी चीज़ें हैं, आई रियली इन्जॉयड। ये नेक्स्ट से लिया था, ये इसने पहन पहन के वाइट था और इसका जो है हशर हराब किया, लेकिन ये दिखाना आपको ज़रूरी था क्योंकि मुझे ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद था ये। अब चलते हैं इसके पैम्पर्स, बच्चे की सबसे मेन चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बच्चे के पास अगर निकरे नहीं है ना तो पैम्पर्स ज़रूर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये टिफर के पैम्पर्स हैं, मेरे हाल में कोई 5 किस्म के पैम्पर्स एक माह में, सिर्फ एक माह का माशाल्लाह हो गया, वो 1 मंथ ओल्ड, एक माह और कुछ दिन का हो गया तो 40 डेज़ का नहीं अभी हुआ। अच्छा अब ये तिफल के मैंने ट्राई किए हैं, लास्ट टाइम जब मैंने तिफल के ट्राई किए हैं तो वो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा। एक वाइप्स और एक पैम्पर्स, इनको मैंने इतना ज़्यादा चेंज किया है इस पूरे पीरियड में कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इसको रैश हो गए थे। हर माँ की प्रॉब्लम और हर बच्चे की प्रॉब्लम कि न्यू बॉर्न को रैश ज़रूर होते हैं, आप उसको पैम्पर्स वाला पैम्पर कर लो, वो भी मैंने ट्राई किया। सबसे मैंने पहले जो है ना मैंने पैम्पर्स ही लिए थे, और उसके बाद जो वाइप्स हैं आप कोई भी ट्राई कर लो लेकिन उसको रैश ज़रूर होते हैं। रैश के लिए मैंने इसको पहले रैश नहीं लगाई, फिर मैंने डॉक्टर को कॉल की कि इसको आराम नहीं आ रहा, फिर उसने हाइड्रोजोल दी थी और उससे वाकई फ़र्क पड़ा था। और उसके अलावा जो है गो रैश, वो उसको मैं आपको पाउडर्स वगैरह दिखाती हूँ। जिनके छोटे बच्चे हैं उनको मुझसे बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि वो घर बैठे उनको अच्छे अच्छे मशवरे मिलेंगे मुझसे। और उसके अलावा ये कि मेरा 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी पीरियड था, मेरी फैमिली की जो सपोर्ट थी वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि आपको पता है मेंटली और फिज़िकली औरतें कितना वीक हो जाती है, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा, मैं 90% वीक हो गई थी। तो मेरी फैमिली ने मुझे कितना सपोर्ट किया और मैं कितना डरी हुई थी क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई कंसीव, अब तो डिलीवर हो गया माशाल्लाह। तो ये कि मैं आपके साथ हर बात शेयर करूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कैसे सपोर्ट किया, मेरी बेटी ने मुझे कैसे सपोर्ट किया। तो वो अपने वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स ये आगे शूज़, ये
ये मैचिंग शूज है इसके साथ और ये अपने सूट्स के साथ मैच कर करके पहनूंगा, और ये सॉक्स थी इसमें से मैंने दो यूज करनी और अभी एक रह गई। वैसे बेतहाशा शॉपिंग होती रही है माशाल्लाह से, इसकी शॉपिंग जो है माशाल्लाह से वो बेतहाशा होती है। ये आई थिंक 350 के आए थे, आई डोंट रिमेम्बर, और मतलब ये दोनों सेम ही प्राइस पे आए थे। उसके बाद ये ऐ ही बस जाते जाते मुझे ये कैप पसंद आ गई, तो ये कैप मैंने ले ली। ये किसी ब्रांड की नहीं है और ये पहनी हुई उसको बिल्कुल भी अच्छी भी नहीं लगी, पता नहीं क्यों। अच्छा फ्रेंड्स, मैं इधर एक बात करना चाहूँगी मरीन परवेज की, मुझे बात बहुत ही अच्छी लगी। उसने भी कुछ दिन पहले डिलीवर किया बेबी बॉय को माशाल्लाह, तो उसने बोला कि बच्चे जो हैं, माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चे जो हैं उनको अच्छे से अच्छा और हर चीज़ उनको प्रोवाइड की जाए, अपने से ज़्यादा जो है वो बच्चे की शॉपिंग की जाती है, लेकिन बच्चे पल ही जाते हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं भी हैं फिर भी बच्चे पल जाते हैं। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक सबको दे और सबके बच्चों को दे। अच्छा एक चीज़ मैं इधर और कहना चाहूँगी जो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा घूम रही है कि बच्चे, अब बच्चे हमें नहीं कहते कि हमें ये चीज़ ला के दे, हमें वो ला के दे, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हमने तुम्हारे साथ ये किया, हमने तुम्हें बचपन में ऐसे पाला, ये किया तुम्हें, ये अपनी ख्वाहिशें ख़त्म की और तुम्हें ये प्रोवाइड किया। तो हमें पेरेंट्स को इस तरह से नहीं करना चाहिए। बच्चे आजकल जो दौर जा रहा है, बच्चे अपनी मर्जियों के मालिक हैं, तो उनको फ्रीडम देना चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद सीरियस नहीं होना, उसके बाद ये वाइप्स हैं। वाइप्स अब मैंने काफ़ी ब्रांड्स के जो हैं वो चेंज किए हैं, ये बोना पापा के अब मैंने मंगवाए थे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो एयरलिफ्ट और फूड पार्लर भी हम लोग करते हैं, क्योंकि मैं तो बाहर जा नहीं सकती थी पहले 15 दिन भी, और उससे पहले वाले 15 दिन, यानी डिलीवरी से पहले वाले 15 दिन और डिलीवरी के बाद वाले, यानी डिलीवरी के 15 दिन के बाद मैंने जाना स्टार्ट किया। तो वो फिर हम लोग घर ही ऑर्डर्स कर रहे थे, सब कुछ ही चढ़ रही थी। और ये सेंसिटिव के वाइप्स, और उसके बाद ये भी सेंसिटिव, ये फीडर मैंने पुअर का मंगवाया इसके लिए, दिस वन पुअर का फीडर, और ये तो इसके यूज़ में है अभी। उसके अलावा एक दो और भी फीडर्स मैंने इसके लिए हैं, वो शायद धोने वाले होंगे किचन में। और इसके अलावा ये एक शील्ड का भी मैंने ले लिया, शील्ड का मैं लेना नहीं चाह रही थी लेकिन मुझे इसका स्टाइल बहुत पसंद आया, मैंने कहा था मैं पुअर का ही बड़ा लूँगी, तो ये बड़ा खूबसूरत बना हुआ था। पता नहीं इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहता है, मुझे लगता है कि ये लीक करेगा, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि शील्ड के जो है ना वो पॉसिबल है कि ये लीक करें, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस इसके साथ रहेगा, ये ज़ाहिर है एक्सपेंसिव नहीं है, वो एक्सपेंसिव था, वो आई थिंक 1400 का इतना सा फीडर, और ये 300 या 400 समथिंग का है, तो फिर ये है कि वाकई जितना दूध डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। ये सूदर्स हैं इसकी, अभी तक इसने एक भी गूंज नहीं की, इतना अच्छा बच्चा है। दिस वन इज़ और एक उसके मुँह के अंदर है। अच्छा उसके बाद ये गो रैश के मैंने इसके लिए वो मंगवाए पाउडर्स, ये बहुत अच्छे रहते हैं, बच्चे को रैश नहीं करने देते, लेकिन रैश के बाद जब आप लगा रहे होते हो ना फिर इनसे भी नहीं आराम आता। ये जॉनसन्स का पाउडर, और ये जॉनसन्स का बेबी लोशन, उसके बाद ये शैम्पू, जॉनसन्स बेस्ट है बेबीज़ के लिए, ये शैम्पू है इसका, और ये जॉनसन्स बेबी जेली, ये तो मैं खुद भी लगा लूँ, स्किन बड़ी ख़राब हो गई है, फिगर बड़ा ख़राब हो गया फ्रेंड्स। और मैं जो है अपना वेट लॉस अब जो करूँगी, मैं करने जा भी रही हूँ और किया भी है मैंने, लेकिन अब जो मैं आके शेयर करूँगी ना आपके साथ, अपनी लाइफ की हर बात शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि अब मैं फ्री हो गई। ये इसके लिए मैंने लिया नेल कटर, सीजर, और ये फाइलर। अब मुझे ये डर लग रहा है कि ये फाइल, इसके नेल्स इतने छोटे से हैंड्स हैं आगे, छोटे छोटे नेल्स हैं, बड़े नाजुक से, तो ये कैसे फाइल होंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूर डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था, क्योंकि सी सेक्शन हुआ मेरा, तो मैं तो ज़्यादा उसको फीड नहीं करवा सकती थी, तो फिर डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप ये वाला दूध दें, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कोई लूज मोशन वगैरह नहीं लगे। और लेकिन ये कि वो जो दूध फुलाता है ना एक बच्चे को, जो मतलब फेक, ज़ाहिर ये फेक है, तो उस तरह से फूला नहीं है, सेहत माशाल्लाह उसकी सही है, लेकिन वो जो एक भूलू सा बच्चा हो जाता है ना, वो सीन नहीं है उसका। फ्रेंड्स यहाँ पे करती हूँ शॉपिंग को एंड, ज़रूर बताइएगा आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, और नाम भी सोच के बताइएगा कि आप कौन सा नाम मेरे बेबी के लिए सजेस्ट करते हैं। नाम ऐसे हमने सोचे भी हुए हैं, उसमें से एक हमने फाइनल करना है, तो वो मुझे एक अरसे से जो है वो नाम पसंद थे लेकिन मैं रख नहीं पाई, तो अब अल्लाह ने मुझे
इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है, तो मैं अपनी मर्जी का और अपनी खुशी का नाम रखूंगी। लेकिन उसमें हो सकता है कि आप लोग जो नाम भेजें उसमें से कोई वो नाम भी भेज दें, तो आपने कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग कुत्सिया व्लॉग्स। बाय बाय।